up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. News One India देख रहे हैं आप, भारत एट नाइन में आपका बहुत स्वागत है और बात आज के सबसे बड़े मुद्दे की करेंगे और मुद्दा बजट। बजट को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं। बहुत सारे लोग इसे कह रहे हैं कि बहुत ही बकवास बजट था, आम लोगों के लिए इस बजट में कुछ नहीं था। विपक्ष भी इसे पूरी तरीके से तर्कविहीन बजट बता रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि बजट जो है वो अंतरिम बजट है, देश का आम बजट नहीं है, तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। तो चलिए आज बजट पर क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पेश किया। हालांकि मिनी बजट से देशवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट की परंपरा के मुताबिक ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की। आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली है, सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री ने संसद के संयुक्त सदन में 57 मिनट का अंतरिम बजट भाषण दिया। इसमें मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाई गई। वित्त मंत्री ने सुबह 11:01 से बजट भाषण शुरू किया और 57 मिनट बाद यानी कि 11:58 बजे खत्म किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल कुछ महीने बाद ही आम चुनाव है, अब ऐसे में आमतौर पर अंतरिम बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं, लोक लुभावने वादे नहीं किए जाते। हालांकि सरकार अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा सकती है, यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% जरूर किया गया है। बजट में किसे क्या मिला, आपके हिस्से में क्या आया, ये जानना आपका हक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य पाने के करीब हैं, निर्मला सीतारमण ये कहती हुई नजर आई। अगले 5 सालों में 2 करोड़ और मकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा किराए के मकानों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को खुद के मकान खरीदने और बनाने में मदद करने की योजनाएं लाएंगे। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। परिवार को हर साल 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुगम हो जाएगी। योग्य डॉक्टर बनना कई युवाओं की महत्वाकांक्षा होती है, ऐसे में और ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी। सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखरेख में सभी आशाएं कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को शामिल किया जाएगा। आंगनबाड़ी और पोषण की योजना में तेजी लाई जाएगी। नया यूविन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुष को लेकर पूरे देश में तेजी के साथ काम किया जाएगा। नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाया गया है, जिसके बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, लेकिन दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है। डेयरी किसानों की सहायता के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। खुरपका रोग नियंत्रण करने की पहल की जा रही है। मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग स्थापित किया गया है। इनलैंड और जल कृषि उत्पादन दोगुना हो गया है। सी फूड का निर्यात भी दोगुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। जल कृषि उत्पादकता को 3 टन से घटाकर 5 टन किया जजाएगा। निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक ले जाया जाएगा। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख नए रोजगार पैदा करेंगे। 5 एकीकृत पार्क एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी। 1 करोड़ महिलाएं पहले ही लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। पीएम मोदी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान नई पहल की विकास का आधार है। प्रौद्योगिकों को अपनाने वाले हमारे युवाओं के लिए एक स्वर्णिम काल होगा। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त लोन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए तक का कॉर्पस स्थापित किया जाएगा। इस कॉर्पस से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाए। अगले साल के अवसंरचना विकास परिविध्या में 11.1% की वृद्धि की गई है। कुल 11 और 111 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।
सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। परिव्यय में वृद्धि से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में कई गुना तेजी आएगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत पहचान किए गए 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारों का शुभारंभ किया जाएगा। ये 3 गलियारे हैं ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, पतन संपर्कता गलियारा और अधिक यातायात वाला गलियारा। इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि रसद व्यवस्था में सुधार आएगा और लागत में कमी आएगी। यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। मेट्रो रेल और नमो भारत रेल प्रणाली विशेषकर बड़े शहरों के आवागमन उन्मुख विकास को बढ़ावा देगी। रसद व्यवस्था संबंधी कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। मेट्रो रेल और नमो भारत शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन रहे हैं। बड़े शहरों में इन प्रणालियों के विस्तार को सहायता मिलेगी। पिछले 10 सालों में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है। उड़ान योजना के अंतर्गत और ज्यादा शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ा जाएगा। 570 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमान कंपनियां 1,000 से ज्यादा अधिक नए वायुयान को खरीद का ऑर्डर देकर विकास के मार्ग का अग्रसर करेगी। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का विकास कार्य तीव्र गति से जारी रहेगा। स्किल इंडिया मिशन युवाओं की मदद कर रहा है। 3,000 नए IIT खोले गए, 3,000 नए ITI खोले गए हैं और 7 IIT, 16 IIT, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है। 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुनः कुशल बनाया। उनका कहना है कि हमारी सरकार ई वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान करेगी और ई वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगा। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधन अनुमान 27.56 लाख करोड़ है, जिनमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधन अनुमान 44 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है। तो ये यहाँ पर बातें बताई गई है। राजकीय कोषीय घाटे का संशोधन अनुमान GDP का 5.8% है, जो अंकित विकास अनुमानों में कमी के बावजूद अनुमान की तुलना में बेहतर है। 2024-25 में उधार से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30 लाख करोड़ और 47 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इसके अलावा नई कर योजना के तहत अब 7 लाख की आय वाले करदाताओं के लिए कई देनदारी नहीं होगी। खुदरा व्यापार के लिए प्रिजिप्ट कराधन की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है। इसी तरह कराधानन के पात्र व्यवसायियों के लिए सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो समझने की जरूरत थी। हालांकि बातें तो काफ़ी सारी यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने रखी है, लेकिन धरातल पर कितनी उतर रही हैं वो देश के सामने है, और साथ ही साथ आने वाले समय में जो वादे और दावे किए जा रहे हैं इस अंतरिम बजट को लेकर, वो कितने धरातल पर उतरेंगे ये भी देखना वाला है बात होगी। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके अलावा और भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि जब हमने 2014 में सत्ता संभाली तो देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया। फंड ऑफ फंड्स युवा की मदद कर रहा है, खेलों में भी युवा परचम लहरा रहा है। हमारी सरकार विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है, जो सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी है। हमारी GDP का उद्देश्य है गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट। हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, सभी बुनियादी ढांचे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। टैक्स सुधारों ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिक लोग टैक्स का भुगतान करें। वैश्विक अर्थव्यवस्था के अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बावजूद भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया। महामारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। वर्कफोर्स में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। 3 तलाक को गैरकानूनी बनाया। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण किया। पीएम आवास योजना के तहत 70% से ज्यादा घर महिलाओं को दिए जा रहे हैं। महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। वर्कफोर्स में 43% महिलाओं का एनरोलमेंट हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। अगले 5 साल अभूतपूर्व विकास के साल होंगे। पीएम मुद्रा योजना की 43 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृति दी गई है। देश को 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक का सर्वोच्च पदक प्राप्त हुए। शतरंज के प्रतिभावान और हमारे नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी प्रगानंद ने 2023 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्ल्स के खिलाफ कड़ी टक्कर दी। तो ये सारी बातें आज रखी गई हैं। कितनी उपलब्धियां यहाँ पर रखी गई, किस तरीके से हर सेक्टर में काम हुआ, ये बातें आज रखी गई हैं। खैर, ये सारी बातें तो सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। बजट बहुत सुंदर सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो देश सीधे तौर पर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आम व्यक्ति को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं। अब वो मूलभूत सुविधाएं, महंगाई कैसे कम होगी आने वाले समय में, ये देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार एक बार फिर से हैट्रिक लगाने जा रही है, और हैट्रिक लगाने के बाद जब जो आम बजट पेश होगा उसमें बहुत कुछ आम लोगों के लिए होगा।
आम लोगों के लिए यानी कि हमारे जैसे लोगों के लिए क्या कुछ खास होगा, इसका इंतजार करते हैं। फिलहाल आज के बजट में तो इतना ही था। एट नाइन में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।